अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें खैर व आफियत से रखा हुआ है। देखें, अब रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया है, तो अब बहुत से इस तरह के काम होते हैं इस महीने में जो कि लोग आमतौर पर नेकी समझ कर करते हैं उस उन कामों को। तो अब अगर देखा जाए तो उन कामों का के करने का सबूत ना तो हमें कुरान पाक से मिलता है, ना तो हमें हदीस से मिलता है, तो लेकिन लोग उन कामों को बहुत ज़ोर शोर से बढ़ चढ़ कर कर रहे होते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि ये इस तरह के काम करने से हमें बहुत अजर व सवाब मिलेगा और हम अजर व सवाब के मुस्तहिक ठहरेंगे और हम अल्लाह की नज़र में मुकर्रब होंगे। लेकिन आप ये देखें, अब जैसे 12 रबीउल अव्वल का जो दिन आ रहा है, इस दिन लोग क्या करते हैं कि इसको उन्होंने ईद का दर्जा दे दिया है और इस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को ज़ोर को शौक से मनाया जाता है, बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लिया जाता है। लेकिन इस और कहते हैं कि ऐसा करने से सवाब मिलता है, हमारे कारोबार में बरकत होती है, जितना हम पैसा खर्च करेंगे इस पर उतना ही पैसा हमें वापस मिलता है, बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर हमें ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अब देखें कि इस तरह की नेकी का, अगर ये नेकी का काम है, सवाब का काम है और बायस अजर व सवाब है, तो ऐसा काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल ज़िंदगी में क्यों ना किया, उनके सहाबा किराम ने उनकी वफात के बाद क्यों ना किया, खुलफाए राशिदीन ने क्यों ना किया और उनके नवासों ने क्यों ना किया, तो सहाबों सहाबियात ने क्यों ना किया। लेकिन अब अगर उनसे ये बात की जाए तो कहते हैं, वो दलील क्या देते हैं कि हम इसको उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम तो सवाब की गर्ज़ से मनाते हैं और सवाब की गर्ज़ से मनाने में कोई हर्ज तो नहीं है, तो इससे हमें मनाने से सवाब मिलता है। अब देखें, अगर सिर्फ उसी काम को करने से सवाब मिलता है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो, जो कुरान और सुन्नत से साबित ना हो काम अगर हम करेंगे तो वो सवाब का बायस नहीं होगा। अब ये देखें, अगर जैसे हम वज़ू करते हैं तो हर उज़्व को हम 3 बार धोते हैं, अगर हम 4 बार धोएंगे ज़्यादा पाकीज़गी हासिल करें, तो आप खुद सोचेंगे ऐसे के काम को करने से हमें सवाब मिलेगा, हम सवाब के मुस्तहिक ठहरेंगे। नहीं, 4 बार धोने से तो हम, इसका मतलब है कि हमने कोई नई चीज़ ईजाद कर ली है, नई इख्तरा कर लिया है वज़ू के अमल में, तो इससे तो हम उल्टा सवाब के गुनाह की तरफ जाएंगे। तो अब जैसे 2 सजदे होते हैं, अगर 2 के बजाय हम 4 करें, 3 करें, रखते भी 4 फ़र्ज़ होते हैं, अगर 4 के बजाय हम 5 पढ़ लें, तो वो है तो सवाब ही नहीं है इससे। लेकिन क्योंकि ये हमारा गलत अमल है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है और जो हमें अल्लाह पाक की तरफ से तरीका बताया गया है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया उसके मुताबिक नहीं है, तो ये हमारा अमल जाहिर है कि हमें बिदत की तरफ ले जाएगा और बिदत गुमराही है और गुमराही जो है वो हमें दोज़ख में ले जाती है। तो अब ये बहुत सीरियस इशू है और इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हम मुसलमानों की दीन से बेबहरा लोगों की अंधाधुंध तकलीद करना, 12 रबीउल अव्वल के दिन ख़वातीन का सज समर के बेपर्दा होकर और बग़ैर चेहरे को ढांपे मेकअप ज़्यादा चेहरे के साथ बाहर निकलना, नौजवानों का गानों की तर्ज पर बनाई गई नात पर डांस और भंगड़े डालना, झूमर डालना और इसके अलावा गलियों, बाज़ारों, शहरों, मोहल्लों और मस्जिदों की तज़ीन व आराइश पर बेजा खर्च करना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ज़रूर सोचिएगा इस बात पर, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।